आजिया की दुनिया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं जुहा से अभी अभी कह रही थी और अब हो रहा है 8:09 हो रहा है। और जब से मैं रामपुर से आई, बस मैंने रामपुर से आने के अगले दिन भी व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि काम वगैरह था, बहुत ज़्यादा बिजी हो रही थी मैं, मोबाइल उठाने की फुर्सत नहीं। और दूसरे दिन था उससे ईद उल मिलाद दुन्नबी, तो उसका व्लॉग बस मैंने बनाया, तो उसके बाद से फिर व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि रामपुर के व्लॉग इतने ज़्यादा इकट्ठे हो रहे थे। तो आज मुझे आपको कुछ दिखाना था और मुझे बहुत वो थी कि क्या कहें आपको, इस साथ पूरी शादी का व्लॉग भी वो करूँगी, शेयर करूँगी, लेकिन ये हुआ गुड्डू भैया जो है ना मियाँ साहब, मतलब जो मेरे भाई हैं जिनके यहाँ कबाब पार्टी हुई थी, और हवा की मंगनी का व्लॉग भी मैंने डाल रखा, बहुत व्लॉग हैं वहाँ के, मंगनी वाला व्लॉग भी है उनका, कबाब पार्टी की भी है, और क्या था हुआ था जो है कुंडों की नियाज, मतलब बहुत अच्छे खासे व्लॉग हैं वहाँ के। तो उनकी जो बेटी है ना हवा, बड़ी वाली बेटी, तो उसका क्या कहें शादी है, तो शादी का ये हो रहा था कि दिल्ली करेंगे यहाँ करेंगे, तो बिल्कुल फाइनल ये हो गया कि दिल्ली होगी माशाल्लाह से शादी, मतलब सारे फंक्शन उपटन के जो भी कुछ होंगे सारे फंक्शन दिल्ली होंगे। तो हमारा वैसे इरादा तो है, लेकिन जितना मज़ा यहाँ आता ना कि मिनट मिनट पे जा रहा है वो हो रहा, रौनक से हो जाती इस तरह नहीं, बस मतलब हमारा जैसे देखते हैं किस तरह भी जाएंगे, आपके साथ शेयर तो करेंगे, जाएंगे जब भी, नहीं जाएंगे जब भी। तो खैर फिलहाल वहाँ से कार्ड आया तो आपको कार्ड दिखाती हूँ, कितना प्यारा, कितना नवाबी कार्ड है गाइस। ये है कार्ड और बिल्कुल ऐसा बॉक्स है जैसे, और मेरी सिलाई का सामान भी यहीं पे पड़ा, मेरी जाना मास देखो मुख्तार से रखवाई थी मैंने, और सिलाई करने लगो ना तो सबको सबको ज़रूरत हो जाए। मुदस्सी ने भी अपने देखो कितने सारे कपड़े ला के डाल दिए मुझे, किसी में कुछ कमी हो रही किसी में कुछ। तो खैर चलो मुझे ये दिखाना है मेन चीज़। तो ये रहा कार्ड, इस तरह की पन्नी के अंदर पैक आया था, ये रही पन्नी, इसमें इस तरह से पैक था। और यह हवा काशिफ, कितना यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितना बड़ा है, मैं लाइट ऑन कर दूँ इसकी, नहीं तो नहीं आ रही। ये इस तरह से इसमें लॉक है, पहली जो इनकी बेटी की शादी हुई थी ना मखदूम की, तो उनका कार्ड भी है, वो भी कार्ड है मेरे पास, वो थोड़ा ऊंचा था वो वाला भी दिखाऊंगी आपको, उसको ना मैंने बैंगल बॉक्स बना लिया, तो दिखाती हूँ आपको। और इसमें से ना मुझे भी याद आया कि आपको दिखाना है, मुख्तार को ना मखाने बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुख्तार को मखाने मैंने इसमें से फ्राई करके दे दिए, और टॉफ़ी वगैरह भी थी, तो मुझे भी याद आया कि आप लोगों को दिखाना चाहिए। तो इसके अंदर ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह आए हैं और क्या मखाने, और इसके अंदर टॉफ़ी पड़ी हुई थी वो मुख्तार ने खा ली, बल्कि इसमें से कुछ बादाम और किशमिश वगैरह भी निकाल ली, और ये वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और यह है कार्ड, इस साइड हल्दी सेरेमनी, हल्दी सेरेमनी, और यह है मेहंदी सेरेमनी, और ये हो गया वेडिंग वेडिंग वेडिंग, और ये हो गया रिसेप्शन, तो वही हो गया हाँ वेडिंग का ही। और ये क्या है, ये राजू का नाम शाह सरफराज जहाँ कुद्दूसी, और ये क्या है, बस इसी तरह का है। और एक बॉक्स इसमें ये है, ये सिंपल ऐसे ही है ऐसे बस, इसमें ना बाद में मैं यहाँ बैंगल्स वगैरह रख लूँगी, कुछ भी ज्वेलरी वगैरह रख लूँ, ज्वेलरी बॉक्स टाइप बन जाएगा ये ऐसे कार्ड बाहर लटका हुआ है, ये ऐसे लटका हुआ है, तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो रहा है अब ये वाले कार्ड इस तरह के ना, ये ऐसे देखो, आपको भी आइडिया हो जाएगा आपके यहाँ किसी की शादी हो तो आप इस तरह से दिखा लेना, और ये ड्राई फ्रूट्स भी भर देना। और मैं ना बहुत दिन से देख रही थी, ये उसके बीज हैं, कद्दू के बीज हैं शायद, हाँ कद्दू के बीज हैं ये ना, वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो मैं ये सोच रही थी कि शायद छिलके समेत खाती हैं जिन लेडीज़ को मैंने देखा ना, तो मैंने कहा पता नहीं कैसे लगते होंगे, लेकिन अब जो मैंने खाए बिल्कुल जैसे खरबूजे के बीज होते हैं ना इस टाइप का इनका टेस्ट है,
तो अब मैं मंगाऊंगी अपने लिए इंशाल्लाह। तो बताना मुझे आप लोग कमेंट करके कि आपको ये कार्ड कैसा लगा। तो चलिए इसको बंद कर देते हैं। जोहा कर रही है अपना काम, देखो। The next day. Assalamualaikum guys, कर दीजिए। Welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum guys. और मुख्तार को लग गई है नान कौरमे की इतनी ज़्यादा, जब से वो वहाँ से आया था ना नान कौरमा शादी कहाँ से आया था खैर जहाँ से भी आया था मुख्तार को लग गई। तो मैंने नान मंगा लिए और चिकन आया है। खुले और क्या है, कर दीजिए। हेलो गाइज, इतना अच्छा बच्चा है कि खोल दे जाएगा। मम्मा आप एक बाइट कर लीजिए, उसके बाद मुझे देना। चलो मैं बता रहा है, मम्मा मुझे दे दीजिए। देखिए हो जाएगा। मम्मा पहले आप बाइट कीजिए। आज तो रोटी की छुट्टी हो गई ना, रात में मंगवा लेगा, पेट खराब हो जाएगा। पेट बच्चे को तो शौक है, ये वैसे हो जाएगा पिस पिस से ना सही करके। नहीं, इसे हॉटपॉट में बिल्कुल बंद कर कर टैप पन्नी में से निकाल दो है ना, ये नहीं पन्नी में ही हो जाए। यदि आज मुख्तार को बैंक भी दिखाया है, आ गया है सॉफ्ट सॉफ्ट नान। खाना खाने तो आएंगे पापा। मम्मा यस, लाइट भाग भी गई थी। जी लाइट आन दे। हाँ भाई, मैं भी चला दूँ पंखा जाते हो। मैं पंखे में। बाय बाय गाइस। अब लगता है खाना बनाने की तैयारी। दीदी आप भी खा लीजिए। गाइस ये गए, मम्मा बैठी है तो खिला दो, सूखे टुकड़े खाने तो भाई मम्मा नान के लाइए। देखिए गाइस कितना सा मुंह खोलूंगी, ई चीटी सा पानी मेरा तो मुंह से पानी भी टपकने लगा। आ, 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 आ। ये इट है ना, यम्मी खाना बनाते हैं मिलते हैं। चिकन कोना बनाऊंगी, सिंपल तरीके से बनाऊंगी, लेकिन बहुत सारा सामान जैसे काजू मलाई वगैरह वो सब तो है, ये सब चीजें डाल के, वो तो मैंने भिगो दी है, ये सब चीजें डाल के बनाऊंगी तो सिंपल तरीके से भी टेस्टी बन जाएगी। ये पीसने का मसाला, ये पीसेगा इसमें काजू, नारियल, छोटी इलायची, जायफल, जावित्री, लहसुन, अदरक का पेस्ट, सब कुछ इसी में कर लिया मैंने। दरदरा सा पेस्ट करने का, दरदरा सा होगा बस ये कुटा कुटा सा। और ये प्याज फ्राई हो रहा है, ये भी निकल के अलग से फ्राई होगा। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम गाइस, अस्सलाम वालेकुम गाइस, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बैक टू माय मेरी मॉम, मैं मालिश ही कर रही है, कुछ कुछ कल के खुजली लगाई है, कुछ 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 देखिए कुछ कुछ कर रही है खुजली, कुछ कुछ क्यों आपको आवाज आ रही है, वैसे मैं कुछ कुछ कर नहीं रही, कुछ मुख्तार अब नए नए करेंगे नहीं। अच्छा जब ऑयलिंग करते हैं, जब तो नहीं नहीं करनी पड़ती है हमें, नहीं तो नहीं मैं व्लॉग बंद कर लूंगा। ऑयली ऑयली से लगते हैं ना, मैं बस नहीं बंद कर लूंगा व्लॉग। अच्छा अच्छा नहीं ना, चलो मत ना।
चलो उठा लो फोन। हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। ना कर रहे थे, लाल टपक गई थी। लाल टपक गई, ये तो मैं अपना खाना लाई थी, बहुत ही घी वगैरह हटा हटा के। लाल टपक गई मुख्तार की। आप बाबा, पापा किसी ने दर्द हो रहा क्या? मैं मुझे खुद ही नहीं पता मैं तन्नु का। क्यों? तो कैसे बताऊं? डर से क्यों गया तुम तो कैमरा ऑन होते? दहशत खा गया तुम्हें सोशल मीडिया की पावर से? सोशल मीडिया पे डालूंगा तेरी सारी बातें, कितने भी तेरे को करना मैं सोशल मीडिया पे डालूंगा सारी। क्या डालोगे तुम? कॉपीराइट आ जाएगा। बहुत बिजी डे जा रहा है गाइस, और माशाल्लाह से नान कौरमा बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। पता ही नहीं मेरे ध्यान ही ना, मैंने आपको दिखाया नहीं, लेकिन नान से मतलब ऐसा लग रहा था जैसे शादियों का कौरमा हो। और जो मैंने आपको बताया क्या चीज़ है, आपने एक सूट की कटिंग वगैरह की, पैच वाला जो सूट मेरी सब्सक्राइबर ने भेजा था ये वाला। और फिर ध्यान ही ना ब्लॉग शुरू करके कि मुझे मैंने ब्लॉग शुरू कर रखा, ये वाला सूट जो है ना दिखाऊंगी आपको। अभी तो मैं राजू के साथ कहीं बाहर जा रही घूमने, वैसे ही बस। ये मेरी सिलाई वगैरह का सामान सब यही रखा है अभी तक। चलते हैं और मैं सूट दिखा दूँ आपको, मैंने वही वाला सूट पहन रखा। बल्कि मेरे सुबह बताएगी मम्मा आप ये वाला सूट रामपुर भी लेके गई, रामपुर ले जाना भी ध्यान नहीं रहा मुझे। ये सूट जो मैंने कबाब पार्टी में पहना था, ये शर्ट का कपड़ा था, तो मैंने इस तरह इसके ऊपर गला और ये स्लीव्स वगैरह बनाई थी। दिखा दूँ मैं आपको, इस तरह से यहाँ पे लगा दी थी बेल वगैरह। तो चलिए जोह से आगने के बाद दिखाऊंगी इसका फुल लुक कैसा है। और ये मास्क जोह के सूट का देखो, मैंने कितने अच्छे से लिखा, यहाँ से भी यहाँ तक ढका हुआ है, यहाँ से ठोड़ी वगैरह कुछ नहीं खुल रही, और यहाँ से भी। वही जाम पिज्जा खाने गए थे, मतलब जहाँ वो करा करें अक्सर जाके, पार्टी मुख्तार ने लिया है अपने लिए पिज़्ज़ा, और जोहा के मैं अपने लिए लाई गोलगप्पे और चाट। नहीं, हमने जब ये सब सामान ले लेते ना उसके बाद इसने पिज़्ज़ा कहा। ये मेरा है, ये राजू का है, ये जोहा के मेरी है चाट, और ये हमारे गोलगप्पे, और मुख्तार का ओनली वन पिज़्ज़ा। तो मैं करूँ दूध गरम, केक बड़ा टेस्टी है गाइस। जोह के लिए बनाया था मैंने, लेकिन उसने लगाया ही नहीं। तो चलिए बस अब इस ब्लॉग का एंड में ही करती हूँ। जैसा भी है, छोटा सा ब्लॉग मैंने बहुत छोटा सा बनाया रामपुर से आने के बाद। ब्लॉग वगैरह मैंने यहाँ शूट ही नहीं किए, मतलब मोबाइल उठाया नहीं, जो पुराने ब्लॉग थे ना उन्हीं को एडिटिंग कर करके मैं डाल रही थी। तो ब्लॉग की ना बिल्कुल ब्लॉग बनाने की, वीडियो बनाने की, कैमरा उठाने की आदत सी छूट गई। तो आज बस मैंने कहा चलो अब वीडियो बनाती हूँ, तो आज मैंने वीडियो बनाई, और इंशाल्लाह अब रेगुलर ही करूँगी। तो चलिए बस अब इस व्लॉग का एंड यहीं करती हूँ, इंशाल्लाह फिर होगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।